उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में जिला न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एसएसपी सचिंद्र ने चलाया चेकिंग अभियान, जहां पूर्व में बार काउंसलिंग अध्यक्ष दरवेश की हत्या हुई थी, जिसकी वजह से न्यायालय परिषद में सख्ती बरती जा रही है। वहीं फिरोजाबाद जनपद में न्यायालय परिसर न्यायिक अधिकारियों वादकारियों आदि की सुदृढ़ सुरक्षा के संबंध में चेकिंग की गई। थाना मठ सेना में एसएसपी ने न्यायालय परिसर गेट नंबर 2 पर चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान अभियुक्त सुगल को एक तमंचा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस सहित किया गिरफ्तार। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय और शासन के निर्देश के क्रम में कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में हमारे जिलाधिकारी महोदय और हम और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के द्वारा आकस्मिक चेकिंग की जो है बात की गई थी, जिसमें आज ये आकस्मिक चेकिंग कचहरी परिसर और प्रवेश द्वारों पर कराई जा रही थी, जिसमें CEO सदर, CGM साहब, कोर्ट मैनेजर, ये सभी लोग उस टीम में शामिल थे। कोर्ट में के गेट पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसके पास एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। उसके कहे अनुसार उसका एक साथी और भी है जो यहाँ पे तारीख पे आया था, और ये दोनों व्यक्ति साथ में थे। दूसरा व्यक्ति मौके से फरार है भी, जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं, और अन्य इसके बारे में आपराधिक अगर कोई इतिहास है वो भी हम मैनपुरी रिटावा से पता कर रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टया किस तरह का समझ में आया, प्रकरण क्या है? नहीं, कचहरी परिसर में या फिर किसी भी तरीके से अवैध असलहे लेके घूमना अपने आप में एक अपराध है। हम लोग मठसेना थाने में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, और इसमें आगे की जांच, किस पर्पस से यहाँ पे आया था, क्यों आया था, ये सब हम लोग जांच कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।